लाइव 24 न्यूज से किशनगंज से बड़ी खबर। किशनगंज में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आजाद ने 5 साल के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के मुताबिक कई ऐसे सवाल पूछे गए जिस पर उन्होंने जवाब देना बेहतर नहीं समझा। हाल ही में मई मीडिया में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मई मीडिया के संवाददाता ने फोन लाइन पर बात करते हुए उन्होंने समय मांगा तो मई मीडिया में उन्होंने कहा कि मेरे पास समय की किल्लत है, मैं नहीं दे सकता। किशनगंज के सांसद के कुछ ऐसे भी लहजे हैं जो कहने लगते हैं, आजकल के लौंडों का क्या भरोसा। सोचिए, जो देश का भविष्य युवा है उसको इस तरह से भी सुना डालते हैं। सांसद महोदय यहीं नहीं रुकते हैं। सांसद महोदय ऑफ कैमरा में उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र की विकास के लिए जहां तक जो संभव है कर रहे हैं। कुछ लौंडे हैं जो हमें बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सच तो यही है कि किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद डरपोक सांसद हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि मीडिया को इंटरव्यू देकर कुछ ऐसे सवाल हैं जो उस पर फंस सकते हैं, वो जवाब नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने बचने की पूरी तैयारी की थी, मगर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में बुलाकर मीडिया से रूबरू करना, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कि आप अगर कई पत्रकार के लोग होते, कई चैनल्स के लोग होते हैं जिस पर आप अपना कोई एक सवाल पूछ सकते हैं, उसके अलावे 2-4 सवाल से ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता। इसीलिए वो बचने के लिए इस तरह के मोमेंट पर वो बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद डरपोक सांसद हैं। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हुई। थैंक यू। तो और इस तरह के मुद्दे हैं जो हमारे जो हमने बार बार उठाया, अगर आप लोग मौका दीजिएगा तो इसको और बुलंदी से सर, हम लोग अगर बात की जाए तो खड़खड़ी भरभरी जो पुल का जो मुद्दा है उसमें जो है अभी बांस का पुल बनाया गया है सर, फिर भी जो है उसमें चंदे के रूप में जो है पैसा लिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, भरभरी पुल के बारे में अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास में कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की कि भाई इसमें तो कुछ फॉल्ट है, ये है वो है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा भाई, हमको चिट्ठी आया प्रशासन से कि इलेक्शन से पहले आप लोग ये सब टेंडर पास हो गया, काम शुरू होगा, ये चूंकि बारिश का 3-4 महीना बर्बाद हो जाएगा, तो आप अगर शिलान्यास कर देंगे तो काम में कोई बाधा नहीं होगा। और आप देखिए, वहाँ पे काम शुरू हो गया और उस पुल में समय लगेगा और तब तक तो हम लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। और जो आपका बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या है वहाँ पे नहीं है। 2-4 चीज़ों पे है हमारा फोकस है कि रोड और पुल पुलिया तो हम लोग लाते रहेंगे और उसको हम लोग प्रायोरिटी में लेंगे। महानंदा बेसिन जल्द से जल्द शुरू हो और जो तरीका वो अपना है वो तरीका नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो रिवर बेड है उसको डिमार्क करे और उसको डीसिल्ट करके उस पर वॉल लगाए या बोल्डर पिचिंग करे। ये उसे ले गए किसी और काम के लिए, इंजीनियर कह के ले गए इंजीनियर को, लेकिन वहाँ मजदूरी करवाते थे। तो वो कई केसेस हैं जो हम लोगों को जानकारी मिली और हम लोगों ने उनको वापस करवाया। जैसा किशनगंज जिले का चुनाव को लेकर के और कई पार्टियां हैं आपके सामने जो विरंत होने में, तो ऐसे में क्या कांग्रेस का जो किला इस बार बचा पाएंगे? कांग्रेस का किला मेरे बचाने के लिए सिर्फ नहीं, ये कांग्रेस का किला आप सबों का किला है और आप लोगों ने बचाया। आपके माध्यम हम लोग जो किशनगंज के निवासी है, हम लोगों ने हमेशा बचाया। उस आंधी तूफान में जब 19 में सिर्फ 2 बिहार में जीते थे उसमें आप लोग जीते थे, और जब पूरे बिहार में 19 में एक ही जीते तो आप लोग जीते। तो किला हम नहीं बचा है, किला आप लोग बचा रहे हैं। देखिए, ये मैं आभारी हूँ कि ये शायद कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, लेकिन आधा कॉम्प्लीमेंट है। जितना मेहनत मैंने किया ये 5 सालों में, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, पार्लियामेंट में हो, चाहे बिहार के अफसरान से मिलना हो या मिनिस्टर से लिख के मिलना हो, काम की बात की हो या काम लाया हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम हम तो लोगों को कहते हैं कि भाई जो काम कराओ हमारे यहाँ, ये नहीं कि कल लेके आइएगा, आप लाइए उसी वक्त हम दस्तखत करते हैं, उसी वक्त दस्तखत करते हैं, मोहर रखते हैं वहीं पे, मोहर लगा के लोगों के बीच में दे देते हैं। और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो DM SP साहब या
अफसरान हैं उनको डायरेक्ट हम लोग फोन करके भी कर देते हैं, कभी व्हाट्सएप भी कर देते हैं। बात लास्ट में आप आते हैं, दूसरी बात हिंदू आप पर क्यों विश्वास करें, एक उनका शमशान घाट नहीं बन पाया अब तक, लास्ट चरण में परेशानी होती है। देखिए ऐसा है कि चाहे मैं MLA रहा यहाँ पे या MP रहा, मैंने कभी कहीं भेदभाव नहीं किया। मेरे फंड से, मेरे क्या MP फंड से ज़्यादातर हमने इस मरतबा लाइट किया है, क्योंकि वो नाला वाला किसी को पता भी नहीं चलता था कहाँ होता है। लाइट में ये क्या है कि हाट में दिया या किसी मदरसे के सामने दिया, किसी मंदिर के सामने दिया, किसी बस स्टैंड में दिया, इस तरह का दिया जहाँ हर मज़हब के हर लोग रहते हैं, हाट में खास करके। तो हमारी ये हमेशा कोशिश रही है कि सब समाज को बराबर का हम लोग समझते हैं, और वो फंड किसी एक आदमी का नहीं होता, वो MP लिख सकता है लेकिन वो आपके हमारे सहयोग से लिख सकता है। आप जायजा लीजिए किशनगंज में ही जहाँ जहाँ हमने लाइट लगाया आप ही लोग के मशवरे से लगा, कहीं पे भेदभाव दिखता है आपको? नहीं, भेदभाव नहीं, शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट में भी बेरोजगार, मतलब गरीब, बेरोजगारी में बेरोजगार कर रहा है, बेरोजगार लाश नहीं आ पाता है, वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता है। नहीं, कई कई जगह से हम लोगों ने लाश, जहाँ जहाँ हम लोगों को पता चला, आप मेरे ऑफिस में जाइए, अब डिटेल मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोगों को जानकारी मिली हम लोगों ने खुद एम्बेसडर्स को चिट्ठी लिखा, वहाँ के जो और अफसरान हैं उनको, उनसे बातें की, एम्बेसडर से बातें की, कई जगहों से हम लोगों ने मंगाया और दोबारा चांस दिया है जी। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि ये कोई आम इलेक्शन नहीं है। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष और श्रीमती सोनिया गांधी जी का, और पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का। उन्होंने फिर दोबारा मुझे किशनगंज से लड़वाने का फैसला किया है, ये तो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये आज़ादी के बाद अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है वो आज का इलेक्शन है, और ये हम नहीं, आप में से कई पत्रकार बंधु ये बोल रहे हैं, और वही नहीं, BJP RSS के लोग बार बार चुने हुए MPs बोल रहे हैं कि हम संविधान बदल दें। भाई हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, हम किशनगंज बिहार का एक कोना है जो बिल्कुल बिहार से थोड़ा अलग है, किशनगंज सीमांचल, यहाँ पे हम लोग भाईचारगी से साथ रहे हैं और रहते आ रहे हैं। बहुत तरह की कोशिशें हुई यहाँ के लोगों को बरगलाने की, लेकिन हम लोग की भाईचारगी बरकरार रही, हम लोग की कोशिश रही कि यहाँ किसी तरह का जो इलीगल काम ना हो सके वो हम लोग रोकने की हमेशा कोशिश की, और हम चाहते हैं कि ये पाक साफ जगह रहे सबके लिए। सब हम लोग हिंदुस्तानी यहाँ पे हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, हिमाचल में जितने लोग हैं, खास करके किशनगंज लोकसभा जिसका मैं, आप लोगों ने पिछले मरतबा प्रतिनिधि बनाया, उसका मेरा दायित्व है कि